साथ में बहुत ही हमारे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक जिनकी अपनी एक पहचान है, उनकी टिप्पणियों को लेकर श्री राजेश बादल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ उनको निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी बात रखेंगे। और आज उनका जो विषय है, खुद उन्हीं ने ही निर्धारित किया है, गांधी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल। सच में आज निर्भीक पत्रकारिता की बेहद जरूरत है हमारे देश को। और हमारे आदरणीय श्री राजेश बादल जी लगातार मिस्टर इन मीडिया करके अपना टिप्पणी चैनलों के माध्यम से लगातार लिख रहे हैं, और मैं उन्हें लगातार पढ़ता रहता हूं। बल्कि मैं क्या, मेरे साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री राजेश बादल जी को देखते हुए अपने अपने आप को इस पत्रकारिता की फील्ड में खड़ा किया है। बहुत से विद्यार्थी उनके जीवन में आए हैं ऐसे, जो राजेश बादल जी को अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। मैं बहुत ही सम्मान से निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्री राजेश बादल जी से अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर शाहिद। और मैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का बहुत ही आभारी हूँ कि आज राष्ट्रपिता को याद करते हुए उन्होंने मुझे भी इस बात का अवसर दिया कि हम राष्ट्रपिता के जीवन के कुछ पहलुओं पर बात कर सकें और आज के संदर्भ में खास तौर पर हम उनको याद कर सकें, क्योंकि आज जिस काल में हम ये ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, जिस दौर में ये चर्चा कर रहे हैं, इस दौर में राष्ट्रपिता को याद करना और भी अधिक आवश्यक है। मैं शायद अटपटा लगेगा क्योंकि एक अमंगलकारी शब्द है कोरोना नाम की जो महामारी है, लेकिन मैं उसको भी सकारात्मक दृष्टिकोण से लेता हूँ और मैं इस नजरिए से उस महामारी का भी वो भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसके जरिए दरअसल देश में एक वैचारिक तौर पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, जो शायद तब ना होता जब हम अपने अपने तरीके से सामान्य जिंदगी जी रहे होते, और ऐसी स्थिति में हम महात्मा गांधी को जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी हमारे बीच में जैसे जैसे पुराने उनके जितने पुराने होते जा रहे हैं, हमारे बीच से वो 70, 72, 73 साल पहले जो थे, तब से जितना दिन बीतता जा रहा है वो हमें और शिद्दत के साथ याद आते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी का को की याद में इस तरह का जो इस विषय पर बातचीत हमने रखी है, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई का भी, जो एक अपने आप में एक संस्थान चलता फिरता संस्थान है और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। महात्मा गांधी के बारे में दरअसल जब हम सोचते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसने एक गोल चश्मा लगाया हुआ है, जिसके बदन पर सिर्फ एक कपड़ा है और एक लाठी हाथ में लेके वो चल रहा है। हमने उसको एक राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया है। तो हम जब याद करते हैं और साथ में याद आता है कि उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो शायद इस रूप के ये जो रूप उनका हमारे समक्ष आता है, उस रूप में हम उनका वह रूप भूल जाते हैं जो वो खुद कहते थे कि मैं पूर्णकालिक पत्रकार हूं, मैं पूर्णकालिक पत्रकारिता ही मेरा पेशा है, पहला काम मेरा देश को आजाद कराना है, जो कि हिंदुस्तान के हर आदमी का होना चाहिए था उस दौर में। तो वो तो कोई काम नहीं था, वो तो धर्म था, वो कर्तव्य था कि देश को आजाद कराना। लेकिन जो उनका जो पेशा था, जो अपने आप को वो कहते थे, वो पूर्णकालिक पत्रकार कहते थे। हमने उनकी पूर्णकालिक पत्रकारिता के बारे में दरअसल उस रूप ऐसे तो उनके अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार जी ने अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सामाजिक विवरण दिए हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों के विवरण दिए और भी कई रूपों का विवरण दिया, तो उनके तो अनेक रूप हैं। लेकिन जो पत्रकारिता वाला रूप है वो हमारे जहन में, मैं सोचता हूँ इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे नए बच्चों को, नए छात्रों को, स्टूडेंट्स को ये सब जानना चाहिए कि महात्मा गांधी उस दौर में कैसे निर्भीक, निष्पक्ष, दबंग, जिसको कहना चाहिए दबंग शब्द, हालांकि थोड़ा सा नकारात्मक
अर्थ पैदा करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था से लड़ने का टकराना टकराता है, जो सीधे तौर पर, ऐसा एक पत्रकार महात्मा गांधी थे और उस दौर में थे। जब आज हम उनको याद करते हैं तो हमें लगता है कि आज हम जब बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे जो नए छात्र हैं, नई नस्लें हैं, नई पीढ़ियां हैं, ये नए पत्रकार हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि कैसा मीडिया के बारे में छवि बनती जा रही है। आज उनको लगता है बाजार का दबाव है, पूंजी का दबाव है, इस तरह तरह के सियासत का दबाव भी हो सकता है। तो ऐसे कई दबाव हैं जिन दबावों के चलते, जिन दबावों के तले भारत की पत्रकारिता पर असर पड़ता है, और एक छटपटाहट, एक कसक, एक पीड़ा, एक तकलीफ, मैं कहता हूं, इन नए पत्रकारों के मन में है कि वो जानना चाहते हैं कि दरअसल पत्रकारिता का सच है क्या, क्या इन दबावों से उबरने का कोई जरिया नहीं है, क्या इस पत्रकारिता में जो गुणवत्ता का पतन हो रहा है, क्या उससे उबरने का कोई मंत्र नहीं है, क्या उसका कोई रास्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उसका एक ही रास्ता है बच्चों, और उसकी एक ही रास्ता है मित्रों, वो है महात्मा गांधी की पत्रकारिता। महात्मा गांधी की पत्रकारिता इसलिए भी याद आने हमको करनी चाहिए कि मैं याद करता हूं, मैं आपको बताऊं कि दरअसल थोड़ा सा पुरानी संदर्भों को मैं खंगालूंगा। 1857 का जब गदर नाकाम हुआ, तो अंग्रेज और गोरी हुकूमत, समग्र गोरी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनको लग रहा था कि ये जो विद्रोह की जो आग चिंगारी सुलगी है, शुरुआत हुई है, अगर ये कहीं पूरे देश में फैल गई तो उनके लिए इस देश के लोगों पर, करोड़ों लोगों पर राज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत में केवल 12-14 हजार गोरे सैनिक बचे थे। तो करोड़ों लोगों की आबादी पर 12-14 हजार गोरे सैनिक क्या कर सकते थे। इसीलिए जब 1857 का गदर नाकाम हुआ, असफल हुआ, तो उन्होंने इस बात पर अपने आप को तैयार किया कि इससे सबक ये मिलता है कि कैसे इस देश की जनता में, कैसे इस देश की आबादी में खौफ पैदा किया जाए, आतंक पैदा किया जाए, ताकि आजादी की जो, आजादी के विचार की जो चिंगारी है, जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, वो इस देश के करोड़ों लोगों के बीच में एक मशाल बन के ना फैल जाए। उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपनी इस योजना को अंतिम रूप दिया कि इस देश में आतंक का राज कायम किया जाए। 1857 में देश के पहले पत्रकार इस गदर के बाद अभिव्यक्ति पर, स्वतंत्र लेखन पर, निष्पक्ष लेखन पर फांसी दी गई थी, वो थे मौलाना वाकर अली। मौलाना वाकर अली को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, वो पहले पत्रकार थे जिनको फांसी दी गई थी। इसके बाद जैसे जैसे कालखंड हम आगे जाते हैं, हम ये पाते हैं कि भारत की आजादी का आंदोलन जो बंगाल से, पंजाब से और समूचे देश में एक तरह से फैल गया था, गदर पार्टी जब बनती है तो करतार सिंह सराभा को फांसी दी जाती है, जो केवल 17-18 साल का एक बच्चा था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। तो वो जो, उन्हें, अंग्रेजों को यह मालूम था कि अगर ये नौजवानों के जरिए आजादी का आंदोलन फैल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको राज करना। सरदार भगत सिंह क्या थे, सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका था असेंबली में, उससे तो एक चिड़िया भी नहीं मरती, लेकिन वो विचारों का एक ऐसा शोला था जो महात्मा गांधी के 1921 के सहयोग आंदोलन में शुरू हुआ था, जब वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में विद्यार्थी था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलसिला जो अंग्रेजों ने कायम किया, तो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदन ढींगरा, अशफाक उल्ला, रोशन लाहिड़ी, अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है जिन्होंने 1919 आते आते जलियांवाला बाग का जब हम जिक्र करते हैं, तो उसने तो पूरे देश में लोगों का खून गुस्से से खौलने लगा था, उबलने लगा था। ऐसे माहौल में जब 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान आते हैं और वो देखते हैं कि इस देश की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों के अभिव्यक्ति के लिए कोई आजादी नहीं है। 1919 में जब वो सत्याग्रह और नवजीवन और यंग इंडिया की शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताऊं, यंग इंडिया और नवजीवन जब शुरू किया, उस समय रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और तब ये था कि
भारत में किसी को भी अखबार अगर निकालना है तो अंग्रेजी हुकूमत की परमिशन लगेगी, एक। दूसरी बात यह थी कि जो भी उसमें छपेगा, जो भी एक एक शब्द उसमें प्रकाशित होगा, उसकी अनुमति भी, यानी उसके कंटेंट की, संपादकीय की भी जो जो अनुमति है, इजाजत है, परमिशन है, वो भी उनको सरकारी अफसर से लेना पड़ेगी। गांधी जी, तब तक मैं आपको कह सकता हूं कि 1919 तक करीब करीब 25 साल की पत्रकारिता पूरी कर चुके थे, मैं उस पर अभी आगे आऊंगा। तो गांधी जी जब वो अखबार निकालते हैं तो उस अखबार में पहले लिखते हैं कि मैं यह अखबार बिना गोरी हुकूमत के परमिशन के निकाल रहा हूं, नंबर एक। और नंबर दो, ये तब तक निकलता रहेगा जब तक ये एक्ट गोरी हुकूमत वापस नहीं ले लेती। और दूसरी बात कि मैं इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक लफ्ज अपनी मर्जी से छापूंगा, इसके लिए मैं किसी से परमिशन लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के आजादी का पहला हक है, पहला नागरिकों का पहला हक है, तो अभिव्यक्ति के लिए हम आजाद होना चाहते हैं। और उन्होंने वो निकाला, उसके बाद उन्होंने दो खत लिखे। देखिए उस दौर में, मैंने इसलिए जो फांसियों का जो सिलसिला मैंने बताया कि आप कल्पना करें कि जब देश का आम आदमी अंग्रेजों के भय से थर थर कांप रहा था, उस समय एक व्यक्ति जो आता है, परदेश से आता है, वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए लड़ता है, देश की अभिव्यक्ति के लिए लड़ता है, आम आदमी के विचारों की आजादी के लिए लड़ता है, वो 1919 में लड़ता है। और तब वो इस पत्र का की शुरुआत करता है और पहले पहला पत्र लिखता है उन लोगों को जो उनकी विचारधारा से असहमत होते हैं। वो कहते हैं कि समाज में सब तरह के लोग हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन असहमति का सम्मान होना चाहिए, असहमति का अपमान नहीं होना चाहिए, जैसे कि आज हम कई स्तरों पर समझने में आता है, देखने में आता है, सुनने में आता है। असहमति को सम्मान देना हमें सीखना चाहिए। तो पहला पत्र वो लिखते हैं उन लोगों पर जो उनसे असहमत होते हैं, दूसरा पत्र वो लिखते हैं अंग्रेजों को कि श्रीमान, यह देश आपका नहीं है, आप इस देश से कृपया विदा हो जाइए। देखिए 1919 में लिखता है गांधी, और खुल के लिखता है, और अंग्रेजों को के जो जो मंसूबे हैं उनको हिला के रख देता है। मैं बात करता हूं कि ये जो नींव पड़ी थी, यानी अभिव्यक्ति, अपने आप को, अपने सम्मान को की रक्षा के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए उनका जब जब मखौल उड़ाया गया, जब जब उनका उपहास किया गया, गांधी और मजबूत होके उभरे। आपको मैं बताता हूं, 20 वर्ष की उम्र तक गांधी ने एक अखबार तक नहीं पढ़ा था, और 21 वर्ष में की आयु में लंदन से प्रकाशित होने वाले वेजिटेरियन अखबार में वो शाकाहार के समर्थन में 9 आलेख लिखते हैं, एक धारावाहिक श्रृंखला लिखते हैं। और उस समय लंदन के की सोसाइटी में उससे एक तरह से खलबली मच जाती है, शाकाहार के लिए क्रांति हो जाती है। तो सामाजिक सोच के जरिए दिमागों को झकझोरने का काम, क्योंकि उनको लंदन में ये कहा गया था कि वो एक जब पढ़ने के लिए गए थे कि वो तो जो है बिना मांसाहार के रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकते, तो शाकाहार के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के दिमागों को झकझोरने का काम किया। उसके बाद वो 1992-93 में इंडियन ओपिनियन जब शुरू करते हैं, इंडियन ओपिनियन के जरिए वो दक्षिण अफ्रीका में बसे केवल भारतीयों की बात नहीं करते, वो दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों की भी बात करते हैं, वहां के आम आदमी की भी बात करते हैं, और वो वहां से इंडियन ओपिनियन निकालते हैं। इससे पहले लंदन से प्रकाशित होने वाले इंडिया नाम के अखबार में वो एक बाकायदा कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं, रिपोर्टर का काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं, चूंकि अंग्रेजों का राज था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के आवाज, दक्षिण अफ्रीका की मुखर आवाज इंडिया नाम के उस समाचार पत्र में लंदन में प्रकाशित होती थी, जिसके महात्मा गांधी रिपोर्टर थे, और उस समय इतना खुलकर लिखते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो वकील वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की अदालत में गए, तो वो अपने सम्मान की रखी जब गुजराती पगड़ी पहन के गए, तो उन्होंने अदालत में उनका बड़ा उपहास उड़ाया गया, और गोरे अफसरों ने और वहां जो मौजूद लोग थे उनका बड़ा उपहास उड़ाया, उनका मजाक मखौल उड़ाया। और गांधी ने इसको अपनी
अपमान को अपने सम्मान का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और उन्होंने लंदन से प्रकाशित होने वाले इंडिया अखबार में इतना इतने धुआंधार आलेख लिखे कि वहां खलबली मच गई और तब जाकर के महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के रूप में लोगों लोग डरने लगे, उनके नाम से बचने लगे लोग वहां। उनको कहा गया कि मतलब कि एक स्थिति ऐसी आई कि उनसे उन पर दबाव आया कि दक्षिण अफ्रीका छोड़ के चले जाएं, लेकिन महात्मा गांधी महात्मा गांधी थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो हालात आपके अनुकूल नहीं हो, देखिए अनुकूल परिस्थितियों में हम सब बहुत अच्छी पत्रकारिता करें उसका कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें आजाद हैं, हम हमें प्रेस की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में अभिव्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं तब आपकी वाहवाही होती है और तब वह व्यक्ति जिसको हम महात्मा गांधी के तौर पर जानते हैं वो याद आता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो महात्मा गांधी जब इस तरह से बढ़ते हैं तो यहाँ वो थम, उनके पत्रकारिता का सफर थम नहीं जाता, वो नवजीवन के कई संस्करण निकालते हैं, गुजराती में निकालते हैं, मराठी में निकालते हैं, अंग्रेजी में निकालते हैं, हिंदी में निकालते हैं और हजारों की तादाद लगातार रोज वो लिखते हैं। महात्मा गांधी भारत के ऐसे पहले और अब तक के अंतिम पत्रकार हैं जिसमें जितने करोड़ शब्द उन्होंने लिखे हैं अपनी पत्रकारिता में, और 55 साल तक जो लगातार पत्रकारिता की है वो चाहे वो ट्रेन में रहे हों चाहे वो जेल में रहे हों, उनकी रिपोर्टिंग कभी नहीं रुकी, उनका लेखन और संपादकीय लेखन कभी नहीं रुका। तो वो जिसका जिस जिस रिकॉर्ड का कोई दूसरा जोड़ नहीं है आज। इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब इसके बाद नवजीवन, यंग इंडिया, सत्याग्रह सब जब निकालते हैं, अभी अभी प्रोफेसर मनोज कुमार सत्याग्रह की बात कर रहे थे और सर्वोदय की बात कर रहे थे, खासतौर पर सर्वोदय भी उन्होंने 1930 में जब निकाला था। मैं आपको बताऊं सर्वोदय की उपज क्या थी, सर्वोदय का ये बात बिल्कुल सच है, सर्वोदय अखबार जब उन्होंने शुरू किया कि सबका उदय, सबका सबका उत्थान, लेकिन उसका आधार क्या था, गांधी के सर्वोदय का आधार था जॉन रस्किन की अन टू द लास्ट ग्रंथ जो था और सुकरात और बाइबल की शिक्षाएं, इन सबको जब आप मिला देते हैं तो वो गांधी का सर्वोदय निकल के आता है। हम अपने जीवन में एक गांव में अपने बचपन में एक गांव को धड़काते हैं और तो उस गांव वो हमारे मरते दम तक हमारे भीतर जिंदा रहता है और हम उसको बड़ा गर्व करते रहते हैं कि हम तो गांव से आए हैं। महात्मा गांधी ने 4 साल तक हजारों गांवों का दौरा किया, लाखों लोगों से मिले और हजारों गांव उनके दिल के भीतर धड़कते थे, एक तरह से सच्चे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता था। और उनकी पत्रकारिता में जब तक वो लिखते रहे, सर्वोदय हो, हरिजन हो, यंग इंडिया हो, नवजीवन हो, तब तक वो हिंदुस्तान उनके कलम के जरिए उन पन्नों पे धड़कता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे लगता है कि शायद मेरे संबोधन में 2 या 3 मिनट का वक्त और बाकी होगा। प्रोफेसर मनोज कुमार जी ने बहुत ही शानदार मिसाल कायम की वक्त खत्म करने की, मैं भी अपने उद्बोधन का समापन इस बात से करूंगा कि महात्मा गांधी की निर्भीक पत्रकारिता, दबावों की पत्रकारिता, उस दौर की कल्पना करें आज के दबावों से कई गुना अधिक थी। आज अगर हम पत्रकार अगर हम दब जाएंगे, अगर हम बाजार से दब जाएंगे, पूंजी से दब जाएंगे, सियासत से दब जाएंगे, तो हम निष्पक्ष पत्रकार कभी नहीं बन पाएंगे। पत्रकारिता जीवन शैली है, धंधा नहीं। इस बात को के साथ ही मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। संवाद जब होगा तब हम लोग और बात करेंगे। 12:40 तक का मेरा वक्त था और मैं इसे अपने इन शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर शाहिद अली बलदेव भाई और विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी। निश्चित रूप से हम लोग आज इस वेबिनार में जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गांधी जी के समय की पाबंदी को लेकर हम लोग बहुत सजग हैं और यदि इस सिद्धांत का यदि पालन हम लोग करते हैं और हमारे जो इस पर देखने वाले जो दर्शक हैं यहाँ मौजूद हैं और मैं चैट पे देख रहा हूँ बहुत से टिप्पणियां आ रही हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता इस वेबिनार की हो सकती है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मेरे विचार से उनसे एक कुछ प्रश्न हैं और फिर प्रोफेसर बादल श्री बादल जी से भी, वो प्रोफेसर ही है, मैं पत्रकारों को ये मानता हूँ कि वो लोक जगत के प्रोफेसर हैं।
प्रोफेसर मनोज कुमार जी से एक प्रश्न है मेरा। आपने बहुत अच्छी बातें की, लोहियावादी और जयप्रकाश नारायण और बहुत से ऐसे आपके आप उनसे प्रेरित रहे हैं। आज की उच्च शिक्षा में जिस तरह के बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं, तो उसमें महात्मा गांधी जी की शिक्षा या उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उसमें कितना उनकी सहभागिता हो सकती है, उनकी प्रासंगिकता उसमें हो सकती है? आपके आपकी जो वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस वो म्यूट हो गई, अनम्यूट करना होगा। जी हाँ जी, आप जी म्यूट है, आप म्यूट हैं, आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जब तक आप थोड़ा ठीक कर लीजिए वॉइस, में श्री बादल जी से प्रश्न उनसे करना चाहूंगा। अभी अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बहुत सी बातें गांधी जी के निर्भीक पत्रकारिता को लेकर कही हैं। क्या ऐसी वजह है कि सन 47 के बाद का जो दृश्य बदला पत्रकारिता का, उसमें निर्भीकता, जो पत्रकारिता की जो निर्भीकता है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई? और आज ये कहें तो कई तरह के, हमें यहाँ नाम लेना उचित नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन हाँ, पत्रकारिता पर दबाव है, या दबाव बाहर से है, या ये दबाव खुद से पत्रकारिता ने या अपने ऊपर लिए हैं, आपका क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर शाहिद। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये दबाव खुद का खुद पर है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दबाव ओढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं, मैं लिखूंगा तो ये सेठ कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा, मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। कभी हमें लगता है कि अगर मैं ये विचार लिखूंगा तो कहीं संपादक तो नाराज नहीं हो जाएगा, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। कभी लगता है कि ये अगर मैं लिखता हूं तो कहीं सत्ताधारी पार्टी नाराज नहीं हो जाए, कहीं प्रतिपक्ष नाराज ना हो जाए। तो राजनेताओं से संबंध बना के चलना है। अगर मेरे और भी कोई स्वार्थ हैं तो मैं सोचूंगा कि अगर मैं निष्पक्ष लिखने लग जाऊंगा और मेरी इच्छा अगर ये है कि मुझे राज्यसभा में जाना है, या मुझे कुछ किसी और पद पे जाना है, या मुझे किसी और जगह से कोई मेरा हित साधना है, तो शायद इस तरह के कुछ दबाव होते हैं जो हमारे पत्रकार खुद पर ओढ़ लेते हैं। और जब आप खुद पर बिना कहे दबाव ओढ़ लेते हैं तो आपकी पत्रकारिता की यश हत्या उसी दिन हो जाती है। देखिए, आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना कभी पसंद नहीं करेगा। अपना अपने यश का मर जाना अपने मर जाने से कहीं ज्यादा बदतर है। तो एक दबाव तो वो है जो पत्रकार खुद का या संपादक खुद का खुद पर ओढ़ते हैं। और दूसरा, मुझे यह स्वीकार करने में प्रोफेसर साहिद कोई हिचक नहीं है कि आज दबाव है, और दबाव इसलिए है कि जब आपने 1947 से बात शुरुआत की थी, 1947 के बाद, इस देश में आजादी के बाद, हमारे सामने राजनेताओं की एक लंबी श्रृंखला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम से निकले हुए थे, तपे तपाए थे, उनके मूल्यों पर, उनके आदर्शों पर, उनके सरोकारों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। धीरे धीरे वो पीढ़ी विलुप्त होती गई, तो राजनीति में भी अपने अपने हित वाले लोग, अपने अपने स्वार्थों वाले लोग शामिल हो गए। आज हम देखते हैं कि जब वो अपने हित को लेकर के आते हैं, अपने स्वार्थों को लेकर के कोई राजनीति में आता है, तो वो तरीके से अपनी आलोचना पसंद नहीं करता, और तरीके तरीके से वो पत्रकारिता को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी छवि ना खराब हो जाए, कहीं उसकी इमेज नुकसान ना पहुंचाए। तो वो अपनी इमेज के प्रति जब वो चिंता करता है, तो या तो वो पहले पत्रकारिता को ललचाता है, जब लालच से पत्रकार नहीं मानता है तो फिर वो धमकाता है, उससे भी अगर नहीं मानता है तो फिर वो और कोई सख्त रवैया अख्तियार करता है। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति और पत्रकारिता का रिश्ता ऐसे कुछ हुआ है। और दबाव है, बाजार का भी दबाव है। आज अगर बाजार की चिंता पत्रकारिता नहीं करेगी, जो सब कुछ मुनाफे पर केंद्रित है, आधारित है, तो पत्रकार चैनल नहीं चल पाएंगे, अखबार नहीं निकल पाएंगे, आज खर्चे इतने बढ़ गए हैं। अब मैं, ये मेरी नजर में ही संक्रमण काल है, धीरे धीरे इस संक्रमण काल से हम उभरेंगे और कहीं ना कहीं कोई रास्ता हमको, मैं आशावादी हूं, निकलेगा, मिलेगा। जी, आपसे एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो सकारात्मक पत्रकारिता की एक जो चलन था, जिसे हम कहें, या एक
मूल्य थे जिनके, खासतौर पर जी हम जब धर्म युग, दिनमान, रविवार जैसी पत्रिकाओं को देखा करते थे जो अब देखने में नहीं मिलती, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी बंद है। तो आखिर क्या वजह थी जिसको जिनको देखकर लोगों ने शब्दों को जानना सीखा, पढ़ना सीखा। अभी आपने महात्मा गांधी जी पर एक बहुत अच्छी बात कही कि 19 साल तक उन्होंने 20 साल तक पत्रकारिता के विषय में या कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जब वो लंदन जाते हैं तो वहां पर वेजिटेरियन जैसा एक पत्रिका शुरू करते हैं और उसमें 9 आलेख लिखते हैं, और वेजिटेरियन शाकाहार को लेकर लिखा गया। एक आग्रह था गांधी जी का जो भारतीयों ने स्वीकारा, और बहुत से लोगों ने इसे बड़े आश्चर्यचकित रूप से लिया कि ये भी एक नई विधा हो सकती है। आज ये शून्य क्यों है पत्रकारिता में, आज की पत्रकारिता में इस तरह का? देखिए, उसमें दोनों पक्षों का दोष है मेरी नजर में। आपने जिन पत्रिकाओं की, धर्मयोग, रविवार, दिनमान, साप्ताहिक, मैंने सब में उसमें लगातार लिखा है और मैंने उनकी जी जी पत्रकारिता देखी है। और मैं जी अब आज की तारीख में भरोसे से कह सकता हूं कि देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है मुनाफे की भाषा। कोई भी मैनेजमेंट हो, जी अगर जी वो मुनाफा नहीं मिलेगा तो पत्रकार हो या पत्रिका हो या अखबार हो या कोई साप्ताहिक मैगजीन हो, वो धीरे 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 दम तोड़ देती है। दूसरी चीज जी ये है कि जब तक, जैसे मैंने अब आप कहा कि आपके अगर अन्यत्र हित ना हो, दूसरे कोई हित ना हो, वो अगर उस पर अखबार के पन्ने पे, साप्ताहिक पत्रिका के पन्ने पे परिलक्षित होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो भी पत्रकारिता पर उल्टा असर पड़ता है। इन आज ये जी पत्रिकाएं हमारे बीच में नहीं है और हम इसलिए उनको याद कर पा रहे हैं कि जब वो चल रही थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, खुशवंत सिंह, रघुवीर जी सहाय, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र माथुर जैसे संपादक और ऐसे रोशन लोग हमारे बीच में थे कि जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। शायद ये हम जी लोगों की गलती है, मैं मुझे मानने में कोई हिचक और संकोच नहीं है कि हम शायद जैसे हमने उनसे सीखा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम उस तरह से तैयार नहीं कर पाए। लेकिन मैं आज के समाज को भी दोषी ठहराना चाहूंगा, क्योंकि समाज में ने जिस तरह से अपने घरों में अपने बच्चों को संस्कार देना कम कर दिया है, आर्थिक नजरिए से सब कुछ, किसी के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के। बच्चे क्या जी पढ़ रहे जी हैं, बच्चे किस तरह से जी रहे हैं, उन्हीं बच्चों में से IAS बनते हैं, उन्हीं बच्चों से राजनेता बनते हैं और उन्हीं बच्चों से पत्रकार बनते हैं। आज बताइए, हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी पत्रकारिता की दुर्दशा की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? क्या हम गर्व के साथ अपने बच्चों को हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ना भेजते हैं? यहाँ तक कि जी हिंदी के अच्छे अध्यापक नहीं मिलते। तो हमारी जी पत्रकारिता को घुन जो लगा है, वो समाज की ओर से भी लगा है। और जी इस बात को मैं बहुत गंभीरता से रेखांकित करना चाहूंगा, जब ये घुन लगा है तो आज जो बाजार का दबाव है, आर्थिक दबाव है, ये इसके आगे नए पत्रकार वो समझते हैं कि यही पत्रकारिता है जो हम देख रहे हैं। आज जो चैनलों में चीख पुकार चलती है, एंकर और के बीच और गेस्ट के बीच में जो झगड़ा होता है, कुछ भी स्क्रीन पर नजर जी आता है, वो जब देखते हैं तो समझते हैं यही पत्रकारिता है। मैं कहीं ना कहीं उसमें जी अपने आप को भी दोषी मानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सरोकारों वाली पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता करूं। जैसा आपने कहा था, मैंने राज्यसभा जी टेलीविजन जब शुरू किया, मैं उसका प्रमुख था, तो हमने जी 15 करोड़ आदिवासियों के लिए पहली बार, हम देखिए 15 करोड़ जी आदिवासी इस हिंदुस्तान में, हमने आदिवासियों के लिए काम शुरू किया था, अलग अलग वर्गों के लिए काम किया था, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन कहने का मतलब है सकारात्मक पत्रकारिता की गुंजाइश आज भी है प्रोफेसर साहिब। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा है। मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी और शोधार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत से नवागत पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, और वे इस बात को अच्छे से समझेंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न को और आपसे जल्दी से थोड़ा सा लेना चाहूंगा, और फिर प्रोफेसर मनोज कुमार जी से बात करूंगा कि सोशल मीडिया को जाने अनजाने में पत्रकारिता कह दिया जाता है, और क्या सोशल मीडिया से कितना नुकसान समाज को हो रहा है, या सोशल मीडिया का कोई लाभ पत्रकारिता को मिल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है प्रोफेसर शाहिद आपका। ये बस ये है कि इसका बहुत संक्षिप्त सा उत्तर तो नहीं हो पाएगा, आपकी अनुमति से दो जी, मिनट में जरूर, है ना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं जी, ये बहुत बिल्कुल साफ कहता हूं कि सोशल मीडिया दरअसल परदेशी शब्द है। हमारे जी यहाँ कहा जाता है, हिंदुस्तान का समाज, हम सदियों से सदियों से साथ रहते आए हैं,
परिवार नाम की संस्था में यकीन करते हैं। हजार साल के बाद भी अगर हम नहीं बिखरे हैं, हमारा सामाजिक ढांचा मजबूत है, तो इसका अर्थ यह है कि हम एक सामाजिक प्राणी के तौर पर हमारा विकास हुआ है और हम जुड़े हुए हैं। जी ये जो जी सोशल मीडिया की जरूरत, जो कहा ये कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, भारत से सोशल जी मीडिया का जो विकास और विस्तार नहीं हुआ है, वो अमेरिका से या जी पश्चिम के देशों से या यूरोप से हुआ है, जहां की 50 बरस जी पहले लोग सिकुड़ गए थे, यूनिट में बट गए थे, इकाई में बट गए थे, और जब उन्होंने देखा कि पति पत्नी वाला जो इकाई वाला एकल परिवार है, वो एक काम नहीं आ जी रहा है, और जो हमको मनुष्य को समूह में रहना होता है, तब ये सोशल मीडिया वो उस दौर से एक दूसरे से जुड़ने के लिए पनपा है। तो ये जी दरअसल मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पत्रकारिता कहीं आड़े नहीं आती। अब आपने दूसरी बात कही कि इसके नुकसान, ये सोशल मीडिया, क्योंकि एक बैंकर भी है वो यूज करता है, एक एक कारपेंटर भी है, एक प्लम्बर भी है, एक इलेक्ट्रीशियन भी है, एक पान वाला भी है, एक चाय वाला भी है, यानी समाज के सभी वर्ग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप पत्रकारिता नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि जी हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, और मानसिक रूप जी से हमारा जो जो एक ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं, उस मीडिया नए मीडिया को लेकर के नहीं हुआ है, तो सब लोग अपने अपनी भाषा ज्ञान के आधार पर, अपने अपने अपनी संवेदना के आधार पर उसको व्यक्त करते हैं, और जब वो व्यक्त करते जी हैं, तो वो अभिव्यक्ति बड़ी खतरनाक हो जाती है समाज के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया वरदान भी है, अभिशाप भी है। पहले हमें इस प्लेटफॉर्म के लिए अपने समाज के सभी वर्गों को, लोगों को तैयार करना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म आप देखिए, सोशल मीडिया के जिम्मेदार पत्रकारिता को, से जहां से शुरुआत होती है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे जी हैं। बता, नाम जी किसी का बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर बिल्कुल वो बिल्कुल जिम्मेदार बिल्कुल पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो जी सामाजिक स्तर से उभरे हुए प्लेटफॉर्म है, वो उनकी जी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, अफवाह फैलती है और समाज में अशांति फैलती है। जी 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 बहुत 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 धन्यवाद। वैसे तो मैं ये मानता हूँ श्री आदरणीय श्री राजेश बादल जी को मैं पत्रकारिता का चलता फिरता संस्थान मानता हूँ, और उनके पास बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, और शायद मैं तो ये समझूंगा कि अभी हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी होगा। तो श्री बादल जी हमसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक आप थोड़ा सा बने रहे। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार जी से एक सवाल है जिसे श्री जी बादल जी भी सुनना चाहेंगे कि प्रोफेसर मनोज जी, आवाज आ रही है आप तक? प्रोफेसर मनोज जी आप मुझे लगता है वो अनम्यूट थोड़ी, नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपसे प्रश्न, ठीक है आपसे हम प्रश्न ले लेंगे, फिर उसको हम अपने कमेंट्स में दे देंगे। तब तक मैं आपका, बादल जी 1 मिनट और ले लूं क्या, 1-2 मिनट? जी, आपके लिए हूँ और आपके विश्वविद्यालय की पहल है, मुझे अच्छा लग रहा है कि जी राष्ट्रपिता को हम याद कर रहे हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि आज देश में बहुत से विश्वविद्यालय पत्रकारिता के संस्थान हैं, और एक समय था जब ये कोई विषय ही नहीं होता था, हिंदी विषय के अंतर्गत इसे पढ़ाया जाता था, और आज तो स्वयं में मेरे ख्याल से देश में 3 विश्वविद्यालय हैं बड़े, और महाविद्यालयों में भी इसकी बड़ी, बहुत से बड़ी संख्या है महाविद्यालयों की जहां पर पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है। तो इन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है, पहली बात तो ये कि संतुष्टि की बात है, वो तो कोई संतुष्ट होता नहीं है, कहीं ना कहीं पर बात होती है। हम उसे किस दिशा में ले जाना चाहिए, क्या महात्मा गांधी से प्रेरित होकर हम कुछ इस विषय पर आगे कार्य कर सकते हैं, इस पर आपसे थोड़ा सा हम दिशा चाहेंगे, और आपके मन में क्या है इस शिक्षा के प्रशिक्षण को लेकर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मैं देखिए, देश के करीब करीब 20 से 25 विश्वविद्यालयों में लगातार जाता हूँ, उनके पाठ्यक्रम निर्धारण में भी मेरा जी थोड़ा बहुत योगदान रहता है, तो मिश्रित अनुभव है। कुछ विश्वविद्यालय तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी की जी शिक्षण पद्धति को अगर मैं याद रखूं, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा जो महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा व्यावहारिक भी होनी चाहिए। वो कहते थे कि जी बचपन से ही बच्चे को कोई ना कोई एक हुनर सिखाया जाना चाहिए,
अगर मैं पत्रकारिता के संदर्भ में कहूं तो जी जिन पाठ्यक्रमों में इनको पढ़ाया जाता है, जहां जहां भी पत्रकारिता शिक्षण की बात होती है, अब देखिए जब जब जी 1960 70 80 के दशक में केवल प्रिंट मीडिया होता था, अखबार होते थे, टेलीविजन चैनल जी नहीं आए थे, सोशल मीडिया जी नहीं आया था, डिजिटल मीडिया नहीं आया था, तो इन जी नए माध्यमों का पाठ्यक्रमों में समावेश उस तरह से नहीं हो पाया। आज भी वो जी परंपरागत पाठ्यक्रम आज भी जारी है, नंबर एक। जी नंबर दो, जी जब इनका पाठ्यक्रमों का समा में इनका समावेश नहीं हुआ तो हमको अध्यापन कार्य के लिए योग्य व्यक्ति, योग्य प्रोफेशनल्स नहीं मिले। तो जब हमें योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे, जी योग्य अध्यापन में के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो वो कैसी नस्लें तैयार करेंगे? ये भी एक प्रश्न, गंभीर सवाल होता है। हमने देखा है कि छोटे छोटे जगहों पे जो बहुत छोटे छोटे केंद्र खुले हुए हैं, जो पत्रकारिता की डिग्री तो बांटते हैं, लेकिन वो अपने तहसील स्तर के पत्रकारों से, मैं किसी पत्रकारिता किसी भी पत्रकार का असम्मान नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए कई बार क्या जी होता है, जी ज्ञान की जी सीमा होती है। आप अगर नए माध्यम जी से, नए माहौल में इसको नहीं जोड़ेंगे, तो फिर वो जो शिक्षा, नए जी पत्रकार तैयार होंगे वो भी उसी हिसाब से तैयार होंगे, उसका असर पड़ता है। जी आज कहीं पे भी कंप्लीट चैनल टेक्नोलॉजी, देखिए मैंने देश में 10 से नए चैनल लगाए हैं, नए चैनल, मैंने किसी शिक्षण संस्थान से जी चैनल का कोई डिप्लोमा नहीं लिया है, लेकिन जी मैं करीब 32 साल से टेलीविजन कर रहा हूं, नए कहीं पे भी कंप्लीट चैनल टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। कम्युनिटी जी रेडियो एक नया कॉन्सेप्ट है, कहीं पे कम्युनिटी रेडियो नहीं पढ़ाया जाता। रेडियो चलाने के, मैं जी रेडियो भी लगाता हूं, मैं रेडियो में रहा हूं, आज भी मेरा रेडियो से रिश्ता है, रेडियो जी स्टेशन पढ़ाना कहीं भी उस तरह से नहीं होता। छोटा 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 संदर्भ जी लेकर के पढ़ाते हैं। अखबारों के उपग्रह संस्करण आने लगे हैं, सैटेलाइट एडिशन आने लगे हैं, तो उस हिसाब से अब जितने परिवर्तन आने चाहिए वो तो नहीं हो रहे हैं। और उसका नतीजा जी ये निकल रहा है कि बाजार में, जब मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि जब मैं चैनलों में जाता हूं तो एक चैनल में 500 बच्चे लगते हैं, छात्र लगते हैं, और वो हमें, जी उम्मीद करता हूं कि मुझे जो ट्रेंड बच्चे मिलेंगे तो हमें 50 से ज्यादा नहीं मिलते, 450 लोगों को हमें ट्रेंड करना पड़ता है। अब एक एक बच्चे पर आप जी निगरानी नहीं रख सकते। तो मैं बात इस जी तरह से समाप्त करूंगा कि आज की पत्रकारिता को, गांधी के उस पत्रकारिता प्रेम प्रेम को, जो जुनून की हद तक है, जो क्रांतिकारी भी जी यही कहा करते थे कि जो आजादी जी जुनून की हद तक थी, जो कहते थे कि इश्क का नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम, इश्क जी अगर आप पत्रकारिता मान लें, देश की प्रति प्रेम मान लें, स्वराज मान लें, पत्रकारिता मान लें, जो भी मान लें, इश्क का जी नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग को पत्थर से पिघलाते हैं हम, जाग क्या उठते बात है, हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद स्टोली आती पर भी नहीं, नींद आती नहीं। और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। वाह वाह क्या तो बात है, ऐसे बहुत बढ़िया पत्रकारों की बहुत जरूरत है बढ़िया। आज। जी। और जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, यकीन मानिए इनमें बड़ी प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा और है वाकई। खास तौर पर तकनीकी के क्षेत्र में इनके पास में एक अच्छा ज्ञान है, और जिसके उपयोग की हमें बहुत जरूरत है। और ये पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो तकनीकी ज्ञान से लैस है, हम कहेंगे इसको संरक्षित करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें सही दिशा देने की बहुत बड़ी जरूरत है। और हम समझते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आप जैसे पत्रकारों के मार्गदर्शन में ऐसी कोई कार्यनीति बनना चाहिए। कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि कोई मीडिया एजुकेशन काउंसिल हो, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ऐसी कोई नीति जरूर बनना चाहिए जो हमारे प्रतिभावान पत्रकार हैं और जिनके पास में एक अच्छा अनुभव है, ज्ञान है, वो सीधे सीधे विश्वविद्यालयों से जुड़ सकें, महाविद्यालयों से जुड़ सके, जहां भी पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है वहां सीधे तौर पर उनको डेपुट करने या एक प्रकार से उनको रिक्रूट करने की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो अपने प्रैक्टिस भी करें, प्रोफेशन में भी रहें और साथ ही साथ शिक्षण का भी कार्य कर सकें। तो शायद हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही उनको बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा सोचना है। आपने आपसे आपने मैं एक बहुत अच्छी प्रोफेसर बात के कही नाते, प्रोफेसर जी साहिब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल हम तकनीक के जानकार एक रोबोट पत्रकार को हम नहीं तैयार करना चाहते अपने संस्थानों में। जी बिल्कुल सही, एक उपकरण, बिल्कुल बिल्कुल पत्रकारिता के नाम पर हम एक हाँ जी उपकरण नहीं खड़ा करना चाहते। हम जिसके दिल जी में, दिमाग में पत्रकारिता धड़कती हो,
जो संवेदनशील जी हो अपने सरोकारों को लेके, जो संवेदनशील हो अपने आदर्शों को लेके, जो संवेदनशील हो अपने जी समाज और देश को लेके, हम ऐसे पत्रकार जी तैयार करना चाहते हैं। आज रोजगार की तलाश में ढूंढने वाले पत्रकार हम नहीं चाहते, और इसीलिए जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कोई ऐसा एक केंद्रीय संस्थान हो। हम लोग तो मैं मतलब 44 साल से पत्रकारिता के इसमें हूँ, काम में हूँ, और मैं कहता हूं कि मैंने जितना आनंद इसमें उठाया है इतना आनंद शायद ही किसी ने उठाया होगा। हम लोग मीडिया काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रेस काउंसिल जब बनी थी वो केवल अखबारों के कामकाज पर निगरानी रखती थी। हम लोगों ने जी 25 साल से, हम लोग जब कह रहे हैं जब से टेलीविजन आया है, कि जो टेलीविजन है, रेडियो है, अखबार है, सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 97 में जब देश का पहला डिजिटल नेट प्लेटफॉर्म का वाह इंडिया नाम से एक आया था, उसका भी मैं सदस्य था, मैं उससे जुड़ा हुआ था, जी तो चारों जी माध्यमों में जो पहली स्टेज के जो पत्रकार हैं, मैं क्या आप कह सकते हैं कि मैंने काम किया है। हम लोग तब से 25 वर्षों से ही मांग कर रहे हैं कि एक मीडिया काउंसिल होनी चाहिए। यह मीडिया काउंसिल उस पर विचार करे, एक शिक्षण तंत्र विकसित करे, और उसको पूरे देश में एक वर्ग जो ऐसा बन जाए कि जो फैला दिया जाए, और उसके बाद जो पत्रकार निकले वो ज्ञानवान हो, धड़कती हुई पत्रकारिता उनके अंदर हो, जज्बा हो, जी जोश हो, सब कुछ हो उनके उसमें, तो वो एक आनंद होगा, वो अलग होगा उन नए पत्रकारों को देख के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बीच की हमारी जो चर्चा है और जहां जो इस चैट में और इस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं तो उन तक तो बात है ही, ये बात यहां से निकल के दूर तलक जाएगी ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं आपसे अपने विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए आपका एक संदेश चाहता हूं। देखिए चलते जितने करते भी जी जितना भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं उनको बहुत भाग्यवान मानता हूं कि वे एक ऐसे दौर में हैं इस देश के, जब उनके पास पत्रकारिता के अध्ययन के आधुनिक संस्थान हैं। हम लोगों के जी सामने ऐसा नहीं था। कुछ इने जी गिने जो डिप्लोमा नुमा कुछ कार्यक्रम चलते थे, और जो बहुत ही औसत दर्जे की अध्यापन करते थे, कराते थे पत्रकारिता के, बहुत ही आदर्श किस्म का जो पाठ्यक्रम था, जो सपनों में हमने कभी जी देखा होगा उस तरह का था, तो सबसे पहले तो मैं जी उनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात ये करता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि ये जीवन शैली है, ये कारोबार, जी व्यवसाय या पेशा नहीं है, तो इसको जीवन जी शैली समझ के आइए। आपको पत्रकारिता जी के इतना आनंद आएगा कि आप कभी मरते दम तक इसका आनंद जो है लेना छोड़ नहीं पाएंगे। तीसरी चीज है जी जो इन दिनों मुझे खटकती है कि पढ़ना छूट गया है, और पढ़ना जी छूट जाने से इन छात्रों का, नए पत्रकारों का, संपादकों का बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि क्या हुआ, जी जब आप पढ़ते हैं तो शब्द आपके दिमाग में आते हैं, शब्द आपके दिमाग जी में आते हैं तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपके पास तरह तरह के शब्द होते हैं। देखिए भाव एक ही है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है, कष्ट है, सॉरो है, तमाम तरह के पेन है, ये पर्यायवाची जी 15 है, लेकिन हर भाव जी के साथ विचार भी अलग अलग तरह का जुड़ता है। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो उनको अच्छा फायदा होगा, अच्छे पत्रकार बनेंगे। नहीं तो आज जो टीवी स्क्रीन पर जो चैनलों की चीख पुकार हम देखते हैं, 500 शब्द हैं, 500 शब्द पढ़ सुन करके, पढ़ करके, जान करके, वही 500 शब्द धर्म की रिपोर्टिंग में काम आ जाते हैं, सियासी रिपोर्टिंग में काम आ जाते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग में काम आ जाते हैं, वही जी एंकर बोलता है, वही गेस्ट बोलता है, वही 500 शब्दों के सहारे जिंदगी पत्रकारिता की कट जाती है। कम से कम 5 लाख शब्द जी चाहिए एक पत्रकार को और एक एंकर को। इसलिए पढ़ाई न छोड़ें, पढ़ेंगे तो अच्छे पत्रकार बनेंगे, यही मेरा संदेश है। मुझे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है आपने एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक उदाहरण लेते हुए वहां के विद्यार्थियों को समझाया था। वो एक क्रांतिकारी का उदाहरण था, हाय मेरा हाथी सा बच्चा, शायद जी जी आपको याद हो। वो चाह वो हाँ हमारे पत्रकारिता वो की गीता है प्रोफेसर शाहिद, पत्रकारिता की गीता है, जी चांद का जो फांसी अंक है। जी 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 उसको आप वो जरूर चांद, बताइए, इसके बाद में आपको जी 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 वो दरअसल देखिए क्या है कि मैंने आपको भी ये बताया था कि महात्मा गांधी किस दौर में पत्रकार उन्होंने अपना अखबार शुरू किया था, 1919 में सत्याग्रह शुरू किया था, उस दौर में जबकि अंग्रेज इस बात पर उतारू थे कि इस देश में विचारों की आग नहीं फैल नहीं पाए, अगर फैल गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश को बचाए रखना या उन पर हुकूमत का कब्जा करना।
तो उसी दौर में 1900, अगर मुझे ठीक याद है तो 23 या 24 की बात है, चांद नाम की जी एक पत्रिका निकलती थी, चांद का फांसी अंक निकला था। जब अंग्रेजों ने जी हमारे इस दौर में फांसियों की क्रांतिकारी, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पेड़ों पर लटकाए जाने लगे, सार्वजनिक तौर पर कई कई एक पेड़ पर कई कई नौजवान लटके होते थे और सुबह सुबह लोग डर जाते थे, हुकूमत उनको जी हिला रही थी, तो चांद का जी फांसी अंक संपादकों ने और मैनेजमेंट ने, देखिए कैसे, क्या साव पत्रकारिता की एक मिसाल देखिए कि उन्होंने शुरू किया कि अंग्रेज हुकूमत, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती थी, हमने बताया कि रोलेट एक्ट था, तो उन्होंने कहा कि जी जी श्रीमान अंग्रेज अफसर जी, हम आप चूंकि आप परमिशन की बात करते हैं, हम फांसी अंक निकालना चाहते हैं और आपका पर्पज है कि फांसी अंक जो है निकालने से इस देश के लोग बड़े डरे हुए रहेंगे और फांसी अंक से लोगों को जब पढ़ेंगे तो उनको भी आपकी हुकूमत के दंड का भय रहेगा, तो हमें जी फांसी अंक निकालने की अनुमति दी जाए। और जाहिर सी बात है कि जी उनको अनुमति मिल गई। आपको मैं बता दूं कि सारे संसार में उस जमाने में फांसी देने के जो क्रूर से क्रूर तरीके थे वो ब्रिटेन के थे, ग्रेट ब्रिटेन की जो फांसियां जी दी जाने का जो तरीका था वो सबसे जी खराब, सबसे खौफनाक, सबसे भयावह था। तो चांद का जी फांसी अंक निकला, उसमें क्या था कि शुरू के कुछ पन्ने जो थे वो उन्होंने ब्रिटेन में प्रचलित फांसियों के तरीके, लकड़ी के तख्ते पर या सूली से रस्सी से लटका के या करंट लगा के, जो भी कुछ था, कई कई जी तरह के तरीके थे वो, उसको उन्होंने एक छोटे से कुछ पन्ने, पीछे के पन्नों में सरदार भगत सिंह ने निक नेम से, छद्म नाम से आलेख लिखे, अनेक क्रांतिकारियों ने छद्म नाम से आलेख लिखे, और बाद के जो 100 150 पन्ने का है वो इस देश में लोगों के दिलों में आजादी की आग लगा देते थे। तो वो जी अंक जब छप के आया, और वो अंक, उसमें एक कहानी थी, देखिए मैं इसलिए, जी मैं आपने जो हाथी का बच्चा की बात बताई, उसमें एक कहानी जी थी कि पढ़ने को कैसे प्रेरित करते थे। एक क्रांतिकारी है जी 16 साल का, 16 साल का जी क्रांतिकारी अब जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है 17 साल का, तो जेल में है, उसको फांसी होने वाली है, और फांसी से पहले उसकी मिलाई जो होती है परिवार के लोगों के साथ, आखिरी मिलाई है, जी 17 साल का या जी 18 साल का रहा होगा, तो 18 साल का बच्चा है वो, क्रांतिकारी जी है, उससे उसकी केवल 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसका पिता जी जाता है, उसकी माँ जाती है और उसकी बीवी जाती है। बीवी के जी चेहरे पर घूंघट एक जाहिर है, क्योंकि ससुर एक तरफ खड़ा है, सास एक तरफ खड़ी है, सामने उसका पति खड़ा है। अब सबकी जी दुविधा क्या है? दुविधा जी ये है कि वो क्रांतिकारी सोचता है कि मैं अपनी पिता से कुछ बात कर लूं, माँ से कुछ बात कर लूं, पत्नी से कुछ दिल की बात कर लूं, पिता ये सोचता है कि मैं अपने बेटे से कुछ बात कर लूं, माँ ये सोचती है कि मैं अपना एक्सप्रेशन, मैं अपनी दिल की बात कर लूं, और बीवी बेचारी जो नौ ब्याहता है, जो 4 दिन भी सास नहीं रह पाई उसके साथ, जी वो घूंघट की ओर से देखती है उस क्रांतिकारी को, और उसकी जो भावना है, वो जो कसक है, जी वो अंदर दब जाती, क्योंकि वो ससुर और सास के लिहाज में वो अपनी भावना प्रकट नहीं करती। यही बात जी उस माँ का होता है। माँ जैसे ही मिलाई का समय खत्म हो जाता है, और वो मिलाई जब सिपाही आते हैं कि अब मिलाई हो गई, आप जाइए, तो जी माँ कहती है कि हाय, मेरे हाथ ही से बच्चे को क्यों लिए जाते हो। अब जी चूंकि उसकी माँ अनपढ़ है, उसने अपने बचपन में, अपने किशोरावस्था में सिर्फ पौराणिक ग्रंथ पढ़े होंगे, जिसमें गणेश जी को देखा होगा, जिसमें राम को देखा होगा, सीता को देखा होगा, पौराणिक बस रामायण पढ़ी होगी, या गणेश जी के या पौराणिक आख्यान उसके दिमाग में होंगे, तो चूंकि गणेश जी के नाम पर हाथी उनको याद आता है कि हाथी का बच्चा है, वो कोई, आज अगर आप देखेंगे कि आज आप किसी को कह दीजिए, किसी माँ को, कि तुम्हारा बेटा हाथी सा बेटा है, जी वो आपसे खफा हो जाएगी, वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर देगी। लेकिन वो माँ व्यक्त करती कि हाय, मेरे हाथी से बच्चे को लेके जाते हो, क्योंकि उसके दिमाग में शब्द वही आया है जो उसके दिमाग में अवचेतन में शब्द है, क्योंकि पढ़ी लिखी जी नहीं है, शब्द नहीं है। जी तो मैं कहना जी चाहता हूं कि जब आपके अवचेतन में, दिमाग में, दिमाग के बैंक में 5 लाख शब्द होंगे, तो नए बच्चे उपयुक्त शब्द इस्तेमाल करेंगे जो उनको करना चाहिए। चांद का फांसी अंक जब जी आया, उसने शब्दों की आग फैला दी, तब अंग्रेज हुकूमत को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और उन्होंने जहां जहां ये अंक मिल सकते थे उन्होंने जब्त करना शुरू कर दिया, और इस अंक को उन्होंने जला दिया। इसके बाद भी कुछ अंक बच गए थे और वो 60 70 साल तक कहीं छिपे रहे। उस समय जिसके पास ये अंक मिलता था उसको 3 साल की जेल होती थी।
फणीश्वरनाथ रेणु के पिता के पास ये अंक था, और वो चोरी से अपने तकिया के नीचे रखते थे और वो अपने गांव के लोगों को पढ़ के सुनाते थे। वो अलग कहानी है, कभी फिर से भी सुनाऊंगा। तो इस अंक को आज के पत्रकारों के लिए, ये हमारे लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस फांसी अंक को बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये आले में पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि एक एक शब्द को घोंट के पी जाने वाला ग्रंथ है। जी, बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने दी। मैं एक बात आखिरी आपसे लेना चाहूंगा, कि आपने कहा कि शब्दों की संख्या लाखों में होना चाहिए, 5 लाख शब्द होने चाहिए। शब्द कहाँ से आए विद्यार्थियों के लिए, वो कौन सी किताब बाइबिल की तरह होनी चाहिए जिसे पढ़कर वो शब्दों के अपने भंडार को विकसित कर सके, ज्ञान के भंडार को विकसित कर। वो आपकी पसंद से, आपकी नजर में वो कौन सी किताब होनी हो सकती देखिए, है? दो तीन दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वो जो शब्द आपकी जबान से निकलते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि जो लाइव देखते हैं चैनल्स में, ये आपकी जबान से जो शब्द निकालते हैं वो आपके इस बैंक से आते हैं जो आपके दिमाग में होता है। जब वो लाइव में खड़े होते हैं तो एंकर आपसे पूछता है कि श्रीमान फलाने जी, बताइए कि आज आपके वहां चुनाव होने वाला है, वहां माहौल कैसा है? तो जब माहौल आपके दिमाग में, जो मस्तिष्क में सवाल जाता है, वो सवाल के से जो शब्द उभरते हैं वो आपकी जबान से निकलते हैं। अगर आपकी जबान से शब्द नहीं निकल पाए, उसमें टाइम लगता है, तो आपने देखा होगा कि कई लोग ये कहते हैं ए ऊ करने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये बात तब आती है कि जब आपके पास शब्द नहीं होते। अब शब्द क्या होता है? शब्द आते हैं जिंदगी की पाठशाला से। हम लोगों को, मेरे जो गुरु थे, पहले गुरु जिन्होंने मेरे को पत्रकारिता में पाला पोसा, परवरिश की, उन्होंने कहा कि वो काकोरी केस जो हुआ था, काकोरी केस के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मेरी परवरिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप जिंदगी को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे, विचार आएंगे, विचार आएंगे तो शब्द आएंगे। तो पहला शब्दों के उपजने का तो यह है कि जिंदगी की पाठशाला को पढ़िए। दूसरी चीज ये है कि अगर शब्द उसके लिए आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके दिलो दिमाग से नहीं, आपके जबान से नहीं निकल रहे हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहता हूं, आप प्रेमचंद का मानसरोवर पढ़ लीजिए। 8 किताबें हैं प्रेमचंद के मानसरोवर में। उससे अच्छा शब्दों का भंडार, शब्दों का बैंक कहीं आपको नहीं मिलेगा। अकेला प्रेमचंद आपकी नैया पार लगा देगा। मैं इसलिए इस ग्रंथ को चांद के बाद मैं दूसरा सबसे पवित्र संकलन प्रेमचंद का मानता हूं। जी शाहिद जी, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत ढेर सारी बातें की हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हैं, विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमारे वेबिनार से जुड़े, और लेकिन आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि हम आने वाले समय में कुछ इस तरह के और आयोजन करेंगे, और विशेष तौर पर एक मीडिया एजुकेशन को लेकर एक पूरा का पूरा हम वेबिनार करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें हम आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे। इसीलिए आपसे पुनः विनती भी कर रहे हैं कि यदि कुछ इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, रह जाती हैं बातें, तो आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में आप हमसे फिर से जुड़ें और फिर हम एक नए प्रसंग को लेकर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं